मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलेथा बाजार पर 27 जून को हुई सीएसपी संचालक से 8.5 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने सिवान में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने मामले की जांच करते हुए 3 युवकों को घटना में प्रयुक्त हथियार, स्कूटी और लूट के रकम के साथ टाणवा से गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कांड में शामिल 3 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। रोहित कुमार फतेहपुर बाईपास का रहने वाला, रमेश कुमार यादव भादा खुर्द थाना मुफस्सिल का रहने वाला और नन्हे कुमार थाना सराय ओपी क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से लूटा गया जो रुपए था उसमें से 1,54,000 रुपए बरामद किया गया है अभी तक। इसके अलावा इनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली और 1 स्कूटी जो उस घटना को कारित करने में प्रयुक्त हुआ था, वो स्कूटी भी बरामद किया गया है। आज कल देर रात से लेके आज अर्ली मॉर्निंग तक ये पूरी कार्रवाई की गई है और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो उस घटना के तुरंत बाद बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर मुफस्सिल अनिरुद्ध प्रसाद, थानाध्यक्ष मुफस्सिल धर्मेंद्र कुमार, टेक्निकल सेल के प्रभारी योगेंद्र प्रसाद, SC ST के थानाध्यक्ष महादेवा ओपी थानाध्यक्ष और जो कांड के अनुसंधानकर्ता हैं और अन्य पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे, ये पूरा गैंग जो है वो डिटेक्ट हुआ है अभी तक। और इसमें अभी भी 3 या 4 लोग जो हैं अभी फरार हैं और संभावना है कि जो बाकी पैसा लूटा गया था वो उन लोगों के पास है। और इसमें रोहित कुमार का पूर्व का एक आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। टाउन थाना कांड संख्या 345/17 25 जून 2017 जो हत्या का कांड है उसमें ये अभी जमानत के बाहर आया था। इसके अलावा रमेश यादव पूर्व में भी लूट और हत्या के कांडों में जेल जा चुका है और अभी जमानत पे बाहर है। जीरादेई थाना कांड संख्या 39/17 39/16 जो लूट और हत्या से संबंधित केस है। इसके अलावा 51/16 जो आर्म्स एक्ट के केस हैं और मुफस्सिल थाना कांड संख्या 301/12 जो चोरी और PC एक्ट के केस है उसमें ये जेल जा चुका है और अभी जमानत पे बाहर है। जो 3-4 अपराधी बाहर हैं उनकी भी पहचान हो गई है और ये वो लोग भी अभी हाल ही में जेल से जमानत पे बाहर आए हैं। पिछले वर्ष वो जेल भेजे गए थे कुछ कांडों में, लूट के ही कांड थे वो, और उसमें वो सभी लोग जेल में रहे हैं 6-7-8 महीने और अभी पिछले 2 महीने में वो लोग जेल से बाहर आए हैं और पुनः इस प्रकार के कांडों में शामिल हो रहे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि उनको भी जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लें। टोटल सर कितने लोग उसके साथ थे? टोटल अभी तक जो इन लोगों के संलिप्तता और कन्फेशन से शामिल आ रहा है कम से कम 6 से 7 लोग शामिल थे। सर 8 लाख की लूट थी या फिर कुछ कम थी, ऐसा कुछ नहीं? तो उन्होंने जैसा बताया 8 लाख, हम लोग वही मान के चल रहे हैं कि 8 लाख रुपये लूटे गए। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम।